फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सादी रेसिपी, फ्रेश कोकोनट का ड्राई हलवा। इसको हम सारण भी कह सकते हैं और मोदक वगैरह के लिए, स्टफिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, पर मोदक की स्टफिंग से ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम गुड़ यूज़ नहीं करेंगे और ये हम एज अ स्वीट डिश हलवा के रूप में खा सकते हैं। बहुत ही सादी स्वीट डिश है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोकोनट्स रहते हैं पूजा आजाज के, तो हम उसे वेस्ट ना करें, ख़राब होने ना दें, तो हम इसका सादा सा हलवा बना के खा सकते हैं। हमें इसमें कोई खोया, मावा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। 3-4 सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो घर में ही अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके हम सादा कोकोनट हलवा बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लेंगे 1 बाउल ग्रेटेड कोकोनट और सेम बाउल से मैं नाप कर शुगर ले रही हूँ और शुगर मैंने लिया है हाफ का भी, हाफ बाउल का भी हाफ, यानी इसका 3 भाग में से 1 भाग शुगर लिया है। और हम लेंगे सेम बाउल से नाप कर हाफ बाउल मिल्क, ध्यान रखिए मिल्क गाढ़ा होना चाहिए। और हम लेंगे 2 चम्मच देसी घी, इस छोटे चम्मच से हम नाप के लेंगे, और आधा छोटा चम्मच ग्रीन इलायची का पाउडर लेंगे। सबसे पहले एक पैन को मीडियम आंच में या धीमी आंच में गरम कर लेंगे और ये जो फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट है इसकी बुरादे हम इसमें डाल देंगे और धीमी आंच में हम इसको चलाते रहेंगे। इस बात को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, हमारा ये जो कोकोनट है बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, चलाते रहना है, इस कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं होने देना है। तो मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छे से चला लिया है। अब मैं ये हाफ बाउल प्योर मिल्क इसमें ऐड करूंगी और वापस इसको मैं धीमी आंच में चलाती रहूंगी। ठीक है, इसको थोड़ा चलाते रहेंगे, थोड़ा सा हमारा मिल्क जो है सूख जाए और इस कोकोनट के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। वैसे तो मावा वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ करके हम बना सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, परंतु वो सारे इंग्रेडिएंट्स बिना यूज किए भी हम स्वादिष्ट बना सकते हैं और बहुत ही आसान है, 15 से 20 मिनट के अंदर झट से बन जाता है। तो अब मैंने ये जो हाफ बाउल का भी हाफ शुगर लिया है इसमें ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के बाद अच्छे से चला लेते हैं। चलिए इसी तरह से शुगर को मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। हमने लगभग इसे 2-3 मिनट कुक कर लिया है और थोड़ी देर कुक करेंगे इसे। हम तब तक थोड़ा कुक करेंगे कि जो हमारा मिल्क है और जो शुगर से जो लिक्विड छूट रहा है वो अच्छे से थोड़ा सूख जाए और हमारा कोकोनट जो है ड्राई हो जाए, यानी ये जो लिक्विड जो निकल रहा है ना ये थोड़ा सूखना चाहिए। अब मैं ये आधा चम्मच इलायची का पेस्ट डालने जा रही हूँ। तो लगभग 5 से 6 मिनट हमने कुक कर लिया है इसे, मुझे लगता है अब ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा मॉइस्चर रहने देना चाहिए, एकदम से टोटल ड्राई नहीं करना चाहिए, हल्का मॉइस्चर है इधर। और अब फाइनली हम इसमें शुद्ध देसी घी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच हम डालेंगे घी इसमें। घी डालने के बाद वापस इसको अच्छे से चला लेंगे, घी डालने से बहुत ही मजेदार स्वाद आता है। सो लुक एट दिस फ्रेंड, मुझे लग रहा है तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब गर्मा गर्म इस मिक्सचर को हम इस प्लेट में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है फ्रेश कोकोनट का बहुत ही सादा सा हलवा, जिसमें हमने कोई मावा यानी कि खोया, कोई ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स, इजी इंग्रेडिएंट्स मिला के बनाया है। 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट और थोड़ा सा मिल्क लिया है और शुगर लिया है, और सबसे बड़ी बात ये 10 से 15 मिनट के अंदर झटपट बन जाता है और ये बहुत ही सादा सिंपल होता है, परंतु ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। कोकोनट का ड्राई हलवा ये आप हमें ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये कोबरा यानी फ्रेश कोकोनट की बहुत ही सादी ड्राई हलवा कैसा लगा? अगर आपको ये सिंपल रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।